दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां सब कुछ बहुत एडवांस हो चुका है और इंसान रोबोट्स के साथ रहने लगे हैं, लेकिन इंसानों का खुद के जैसी फीलिंग्स और इमोशंस रखने वाले रोबोट्स बनाने का जुनून आखिर इस दुनिया को किस मोड़ पे ले जाएगा। आइए देखते हैं आज की साइंस फिक्शन फिल्म में, जिसका नाम है एवा। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को पहाड़ से लटका हुआ देखते हैं और कुछ ही दूरी पर बर्फ पर एक नेकलेस पड़ा था। वो जोर से चिल्लाती है और सीन कट हो जाता है। देन हम रेड ड्रेस पहने एक बच्ची एवा को भागता देखते हैं। वो काफी डरी हुई और नर्वस दिखाई दे रही थी। थोड़ा ही आगे वो एक घर तक पहुंचती है। दरवाजा नॉक करने पर एक आदमी बाहर आता है, जो उसे देख के हैरानगी में पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी मॉम कहाँ है। एवा कुछ भी कहने से पहले गिर के बेहोश हो जाती है। देन हमें साल 2041 दिखाया जाता है, जहाँ लाइफ काफी एडवांस हो चुकी थी और ह्यूमंस रोबोट्स के साथ रहते थे। AI इंजीनियर एलेक्स जहाज से उतरता है। ये वही था जिसने एवा के लिए दरवाजा खोला था। एलेक्स 10 साल बाद अपने घर लौटा था और उसे पिक करने उसका भाई डेविड आया था, जो उसे काफी वार्म वेलकम करता है। एलेक्स के साथ उसकी रोबोटिक कैट ग्रिस भी थी। दोनों भाई सीधा कार में यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं। यूनिवर्सिटी के बुलाने पर ही एलेक्स यहाँ आया था। यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट्स रोबोट्स पर काम कर रहे थे। एलेक्स मिस जूलिया के ऑफिस की तरफ जाता है, पर एक रोबोट रिसेप्शनिस्ट उसे रोकते हुए कहती है कि वो क्लास में है। वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, जहां जूलिया उसे वार्म वेलकम करती है और सभी स्टूडेंट्स उसे देखते ही पहचान गए थे। दो स्टूडेंट्स को अपने फाइनल प्रोजेक्ट रोबोटिक होर्स में कुछ प्रॉब्लम आती है। एलेक्स उन्हें नोटिस करके पास जाके पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। तो एक स्टूडेंट होर्स को कमांड देते हुए कहता है कि तुम्हें आंखें बंद करने पर क्या दिखता है। इस कमांड से वो रोबोट डर के बंद हो गया था। एलेक्स को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एक्सप्लेन करता है कि ये कमांड इमोशनल मेमोरी को रीसेट कर देती है, जिसके बाद दोबारा रीसेट होने पर भी रोबोट्स कभी पहले जैसे नहीं रहते। जूलिया भी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करती है कि ये कमांड सिर्फ एक्सट्रीम केसेस के लिए है। देन वो एलेक्स को अपने ऑफिस ले जाती है और एक चाइल्ड रोबोट SI-9 दिखाती है। इस रोबोट को एलेक्स ने 10 साल पहले बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। जूलिया बताती है कि अब इसमें बस एक चीज इमोशनल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की कमी है, और बोलती है कि तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम इसे पूरा करो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो एक सेफ और हैप्पी रोबोट बना सकते हो। जूलिया एलेक्स को घर ड्रॉप करने जाती है और गाड़ी में बैठते हुए एलेक्स को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लाना दिखती है, जो कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। वो उसे देख के भी अनदेखा कर देती है। घर पहुंचने पर एलेक्स हथेली स्कैन करके अंदर जाता है। घर काफी सालों बाद खोला गया था। एलेक्स अपनी पुरानी फैमिली पिक्चर्स देखता है और जूलिया को बताता है कि वो अपनी पुरानी बेसमेंट लेबोरेटरी से काम करेगा। जूलिया बोलती है कि वो लोग उसे सारे जरूरी इक्विपमेंट्स भेज देंगे। देन वो उसे याद दिलाती है कि तुम्हें रोबोट को बेस करने के लिए किसी बच्चे को चुनना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनिवर्सिटी उसके लिए SI-7 एंड्रॉयड रोबोट भेजती है, जिसका नाम मैक्स था। मैक्स घर को एनालाइज करके साफ करने लगता है और एलेक्स के पूछने पर बताता है कि उसे उसके भाई डेविड ने बनाया था और वो एलेक्स का पर्सनल असिस्टेंट बन के रहेगा। देन वो यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है, जहां वो और जूलिया डिफरेंट लड़कों के बिहेवियर्स की वीडियोस देखते हैं। लेकिन एलेक्स को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहता है कि ये सब बहुत बोरिंग है, इन पर रोबोट को बेस नहीं कर सकते। असल में वो अपने रोबोट को बिल्कुल रियल हैप्पी बच्चों की तरह बनाना चाहता था। बिल्डिंग से निकलते हुए उसे लेक्चर देती लाना दिखती है और वो उसकी क्लास में ही बैठ गया था। देन क्लास के बाद दोनों थोड़ी चिट चैट करते हैं। घर जाते हुए रास्ते में एलेक्स को कुछ बच्चे खेलते हुए देखते हैं, जिनमें से एक पर उसकी नजर रुक गई। ये वही रेड जैकेट वाली बच्ची एवा थी, जो कि एलेक्स को डांटते हुए पूछती है कि वो बच्चों को इस तरह क्यों घूर रहा है। एलेक्स उसकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस से बहुत इम्प्रेस हुआ था। देन वो उसे कैंडी देता है और अपने काम के बारे में बताते हुए अपने घर इन्वाइट करता है। उसके बाद घर पहुंचने पर उसे अपना घर एकदम नीट एंड क्लीन मिलता है। मैक्स ने लंच भी बना रखा था और रोबोटिक कैट के लिए बास्केट भी बनाई। कैट के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ग्रिस एक फ्री रोबोटिक कैट थी और वो जो चाहे कर सकती थी। ये इलीगल था, बट एलेक्स चाहता था कि इंसान रोबोट्स के साथ फ्रीली जीना सीखें। देन वो न्यू मॉडल रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के काम पर लग जाता है। एलेक्स अपने मॉड्यूल्स को टेस्ट करने के लिए एक सैंपल रोबोट में इंस्टॉल करता और नोटिस करता कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। देन फोन बजने से वो रोबोट डर जाता है। डेविड की कॉल थी, जो एलेक्स को डिनर पर इनवाइट करता है। देन उस रात वो डेविड के घर डिनर पर जाता है और वो दोनों मैक्स के बारे में बात करते हैं। कुछ ही मिनट्स बाद लाना रूम से आती है और पता चलता है कि वो डेविड की वाइफ है, मतलब वो अब एलेक्स की भाभी बन चुकी थी।
फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एलेक्स को हैरान कर दिया। दूसरे रूम से एवा आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि डेविड और लाना की बेटी थी। डेविड उसे एलेक्स को इंट्रोड्यूस कराता है और वो उसे देखकर आंख मारती है। देन वो सब डिनर करते हुए एलेक्स के काम के बारे में बात करते हैं और तभी एलेक्स ने एवा की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। अपने घर वापस आने पर जब वो एवा की वीडियो देखते हुए उसे ऑब्जर्व कर रहा था तो मैक्स बोलता है कि रोबोट का मॉडल बनाने के लिए ये एक बहुत साधारण सी बच्ची है, बट वो बोलता है कि वो कोई ऐसा ही बच्चा ढूंढ रहा था। लेकिन असल में एलेक्स का फोकस एवा से ज्यादा लाना पर था। काम करते वो वही सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग खिड़की पर पत्थर लगने की आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो एवा थी जो कि देन उसके साथ घर के अंदर आती है। एलेक्स उसे मैथ्स और ग्रिस से मिलाता है। देन वो उसे डिफरेंट पिक्चर्स दिखा के पूछता है कि इन्हें देखकर तुम्हारे माइंड में पहला वर्ड क्या आता है। एक्चुअल में वो एवा के रिएक्शंस की बेस पर रोबोट की इमोशनल मेमोरी बनाना चाहता था। जल्द ही एवा इस सबसे बोर होके चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस आकर कहती है कि अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताओ। देन वो उसे प्रोटोटाइप रोबोट दिखाता है और उसकी इमोशनल मेमोरी भी जो कि बल्ब्स की शक्ल में दिख रही थी, और एक्सप्लेन करता है कि इन्हीं को प्रोग्राम करके इसका माइंड डेवलप होगा। उसके बाद जब लाना एवा को नहला रही थी तो वो उसे बताती है कि मैं एलेक्स के घर गई थी। लाना अपसेट होकर उसे दोबारा ऐसे बिना बताए कहीं जाने से मना करती है। एवा की एलेक्स के बारे में पूछने पर लाना बताती है कि वो तुम्हारे डैड और मेरे साथ यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ता था और वो हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ के चला गया। नेक्स्ट डे एलेक्स यूनिवर्सिटी में जूलिया को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ऐसा ही 9 रोबोट को बॉय की जगह छोटी लड़की के मॉडल पर बेस करें, क्योंकि उसे लगता था कि इस एज में गर्ल्स बॉयज से ज्यादा हैप्पी और इंटरेस्टिंग होती हैं। देन वहां से निकलते उसे लाना दिखती है और दोनों बातें करते पार्किंग लॉट तक वॉक करते हैं। लाना उसे एवा के साथ टेस्ट करने से रोकती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो दूसरे बच्चों की तरह इस सबसे दूर रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग एवा एलेक्स के घर आती है तो उसे वहां से जाने को कहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि एवा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। लेकिन वो कहती है कि मैं काम के अलावा भी तो यहां रुक सकती हूं, तो वो मान जाता है। देन वो दोनों आइस स्केटिंग पर जाते हैं जिसमें एलेक्स इतना अच्छा नहीं था, सो एवा उसे स्केट करना सिखाती है। दोनों माउंटेन पर जाते हैं जहां से पूरा शहर दिखता था और वो उसे वहां से अपना घर दिखाती है। देन वो उस घर से थोड़ी दूर एक घर पर पॉइंट करते बताती है कि डेविड वहां रहता है। एलेक्स के पूछने पर वो कहती है कि डेविड मेरे और लाना के साथ अब नहीं रहता। उस रात एलेक्स वो वीडियो देख रहा था जो उसने एवा के साथ रिकॉर्ड की थी, तो वो प्रोटोटाइप रोबोट उसे पूछता है कि क्या एवा तुम्हारी बेटी है, क्योंकि वो तुम जैसी दिखती है। ये सुन के वो सोच में पड़ गया था क्योंकि एवा 10 साल की थी और उसने लाना को भी तकरीबन 10 साल पहले ही छोड़ा था। देन वो रोबोट की किसी बात पर हंसता है जिससे उसे गुस्सा आ गया था, और वो एलेक्स को दरवाजा खोलने को कहता है ताकि वो यहाँ से जा सके, और दरवाजा ना खोलने पर वो एलेक्स की तरफ नाइफ फेंकता है। सो मजबूरन एलेक्स वो कमांड यूज करते बोलता है कि तुम्हें आंखें बंद करने पर क्या दिखता है, जिसे सुन के वो रोबोट शट डाउन हो गया था। नेक्स्ट नाइट एलेक्स एक पार्टी पर जाता है जहां लाना और डेविड भी थे। वो लाना से डांस की परमिशन लेता है। डेविड उन दोनों को क्लोजली डांस करता देखकर अपसेट होके चला जाता है। लाना इससे नर्वस हो गई थी और वो डेविड को ढूंढना चाहती थी, तो वो दोनों उसे ढूंढते बाहर आ जाते हैं और वहां वॉक करते सडनली एलेक्स लाना को किस करता है, मगर वो अपसेट होके वहां से चली जाती है। उसी पल पीछे से डेविड आके उसे पंच मारता है जो ये सब देख रहा था, और दोनों लड़ने लगे थे। डेविड होल्ड लेते हुए कहता है यहाँ से चले जाओ। घर जाने पर मैक्स उसे हक करता है क्योंकि उसने मैक्स के इमोशन लेवल को भी बढ़ा दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जूलिया के पास जाके कहता है कि वो अब इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा। जूलिया पूछती है लाना की वजह से, तो वो कोई भी जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। देन वो एवा से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो जल्द ही ये टाउन छोड़ के चला जाएगा। ये सुन के एवा काफी सैड हो गई थी और वो उसे जाने से रोकती है, और यहाँ हम देख पाते हैं कि दोनों में कोई स्पेशल कनेक्शन तो है। देन जब अपनी लैब में एलेक्स वापस जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है तो लाना आती है और रात जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगते हुए उसे रोकती है। देन ऑल ऑफ अ सडन दोनों फिर से किस करते हैं। उसके बाद लाना कहती है कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ। एवा ये सब ऊपर विंडो से देख रही थी और वो लाना को डेविड से ये कहते सुन लेती है कि एवा हम दोनों जैसी है क्योंकि हम ही ने उसे बनाया। कुछ और भी वो बोलती है जो एवा सुन नहीं पाती। एवा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और गुस्से में वहां से चली जाती है। लाना ने उसे देख लिया था सो वो भी उसके पीछे भागती है, और एलेक्स को पीछे आने से मना करते हुए कहती है कि मुझे ही उसे सच बताना होगा। थोड़ी दूर उसे एवा बर्फ पर गिरी मिलती है। लाना उसकी बैग से स्किन कार्ड के मेटल केसिंग निकालती है, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि एवा एक रोबोट है।
लाना उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस करती है जिससे उसे होश आ जाता है। लाना उसे एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि तुम रोबोट हो, जिससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। लाना उसे हक करने की कोशिश करती है तो वो उसे दूर हटाती है, जिससे उसका नेकलेस टूट के गिर गया था। एक बार फिर से जब वो पुश करती है तो लाना का पाँव फिसलता है और वो पहाड़ से लटक गई थी। यही वो टाइम था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया। लाना पहाड़ से गिर गई और एवा हेल्प के लिए भाग के एलेक्स के पास गई और बेहोश हो गई। एलेक्स उसे उठा के अंदर ले आता है और डेविड को कॉल करके एवा का बताता है। डेविड उसे कहता है कि लाना हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही वो एवा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। एवा को होश आ चुका था, मगर अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में लाना मर जाती है। देन नेक्स्ट डे एलेक्स के घर पे एवा मैक्स से कहती है कि मेरी वजह से लाना मरी। जूलिया एलेक्स को बताती है कि उसका SI9 प्रोजेक्ट उसके जाने के बाद लाना ने कम्प्लीट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट मतलब कि एवा सिक्योरिटी टेस्ट को पास नहीं कर पाई। इसके बावजूद लाना ने एवा को रखने की जिद की और जूलिया मान गई। देन वो एलेक्स को कहती है कि एवा अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। एलेक्स इंसिस्ट करता है कि वो एक छोटी बच्ची ही तो है, पर जूलिया कहती है कि उसकी वजह से लाना मर गई। एलेक्स ना चाहते हुए भी ऐसा करने को मान जाता है। वो उसे आइस स्केटिंग करता लास्ट टाइम देखता है। देन वो दोनों साथ में कुछ वक्त बिताते हैं और एवा एलेक्स से रोते हुए कहती है कि मुझे ठीक कर दो, मैं दोबारा किसी को नुकसान नहीं देना चाहती। उसके बाद एलेक्स उसे हमेशा के लिए सुलाने बेडरूम में ले गया था। एवा पूछती है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, और एलेक्स की खामोशी से वो समझ जाती है कि ये मुमकिन नहीं। देन वो रोते हुए उसे हक करती है और एलेक्स बोलता है कि तुम्हें आंखें बंद करने पर क्या दिखता है। ये सुन के वो हमेशा के लिए सो जाती है और उसके मेमोरी बल्ब्स टूटने लगते हैं, और इसी सैड मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है।